अगर आप मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आए हैं तो टूल प्लाजा पर एक दर्जन से ज़ायद बूथ हैं। हर बूथ में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं और यही एक बूथ एक घंटे में 360 गाड़ियों की गुजरगाह है। इसी तरह 12 अदद बूथ से 4320 गाड़ियाँ एक घंटे में गुजरती हैं और 24 घंटों में तकरीबन 1,03,680 गाड़ियाँ गुजरती हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक एक कार का टैक्स 1,000 रुपये है और इस तरह बड़ी गाड़ियों का 4-5,000 तक टैक्स चला जाता है। हम अगर एवरेज एक गाड़ी का टैक्स सिर्फ 1,000 रुपये भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों के अंदर ये प्लाजा कम से कम 10.5 करोड़ रुपए जनरेट करता है। इस तरह मुल्क भर के मोटरवे और हाईवेज पर इन टूल प्लाजों की तादाद गिन लें और फिर इनको करोड़ों से ज़र्ब दें तो सिर्फ टूल टैक्स की मद में रोजाना के हिसाब से अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जमा हो रहे हैं। गाड़ी में सफर कर रहे हैं इसमें पेट्रोल की मद में कम अज कम 1 लीटर पर 50 रुपये टैक्स काटा जा रहा है। आप हिसाब करें कि रोजाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल कंज्यूम हो रहा है इसका टैक्स भी रोजाना अरबों रुपए के हिसाब से हुकूमत के खजाने में जा रहा है। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं इसको जब खरीदा जाता है तो जितनी गाड़ी की कीमत होती है उतना ही इस पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। आप जिस गाड़ी को अपने पास रखते हैं इसकी सालाना एक्साइज ड्यूटी भी अरबों रुपये में जमा होती है। आपकी बिजली का बिल भी अगर 10,000 रुपये है तो असल बिजली की कीमत 3,000 निकाल कर बकाया 7,000 रुपये टैक्स है जो महाना हर कंज्यूमर से काटा जाता है और अरबों के ख़जाने में जमा होता है। इसी तरह गैस के बिल पर भी इसी शरह से टैक्स लग रहा है और ख़जाने में जमा हो रहा है। आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपये की दवाई खरीद रही हैं एक मुतात अंदाजे के मुताबिक इस पर तकरीबन 40 से 50 रुपये तक सेल्स टैक्स है जो कि खजाने में जा रहा है। आप होटल में खाना खा रहे हैं और आपका 5,000 बिल आ गया तो इस पर तकरीबन 500 के करीब आपसे टैक्स काटा जाएगा। आप अपने मकान का नक्शा पास करवा रहे हैं और आप किसी भी डेवलपमेंट अदारे के दफ्तर में जाएं तो लोगों की कतारें लगी हुई होंगी जिनसे 40 से 50 हज़ार रुपये फ़ी नक्शा फीस जमा की जाती है। ये भी खजाने में जमा होता है। आप जिस घर में रहते हैं इस घर का सालाना टैक्स आपने खजाने में अलग से जमा करवाना होगा। आप घर के लिए ग्रोसरी खरीद रहे हैं इस पर भी आपने टैक्स देना होगा। आप पढ़ रहे हैं और अपने लिए किताबें और पेंसिलें खरीद रहे हैं इस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। आप किसी सियाहती टूर पर जा रहे हैं तो कई जगहों पर नाके लगे होते हैं और TMA के नाम पर आपसे टैक्स लिया जा रहा होता है। आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं या पैसे निकलवाते हैं इस पर भी आपको टैक्स देना होता है। हत्ता के आप मर गए हैं और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके अजीज़ व अकारब को टैक्स देकर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत के पास ऐसे बेशुमार असासे हैं जिन्हें बेचकर अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में CDA ने अपने चंद कनाल का प्लाट 8 अरब रुपए में बेच दिया। ये ना पहला प्लाट था और ना ही आखिरी प्लाट था। मैं नहीं समझता कि मेरे पास अगर चंद मरले का कमर्शियल प्लाट होता तो इस एक प्लाट से मेरी जिंदगी शानदार गुजरती है बल्कि मेरी आने वाली नस्ल भी इससे भरपूर इस्तफादा करती है। मेरे पास अगर छोटा सा कारखाना हो तो हमारी अगली नस्लें इससे फायदा उठाती हैं। एक ट्रांसपोर्टर के पास एक आध बस या ट्रक होता है तो इसकी पूरी फैमिली की कफालत इससे होती है। मगर सवाल ये है कि जिस मुल्क में अरबों खरबों के टैक्स रोजाना की बुनियाद में इकट्ठे हो रहे हैं वो क्यों मफलूकुल हाल है और दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। अब तो हुक्मरानों से हिसाब करना होगा और हर शहरी ने उठना होगा। सियासी जमातें बेशक कुछ भी ना करें अगर हमने इस मुल्क को बचाना है और अपने मुल्क के लिए हमने ही सोचना है। अगर आज सारे हम एक आवाज़ हो गए तो हमारी आने वाली नस्लें इससे भरपूर फायदा उठाएंगी।